जय गुरु जी संगत जी, पूरे गुरु परिवार को गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स की तरफ से बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आप सबका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भरपूर करें। संगत जी हम यही अरदास करते हैं गुरु जी के चरणों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है। एक एक शब्द इस सत्संग के अंदर आंटी जी ने शेयर किया ना, बहुत ब्लेस है। गुरु जी कैसे हमारे बच्चों का भविष्य बदल देते हैं, संगत जी सब ग्रह नक्षत्र कैसे ठीक कर देते हैं, अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल तो क्या कहूँगा मैं संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही ऐसी हैं कि वो हमारे लिए अनबिलीवेबल शब्द बन जाती है। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है प्रीतमपुरा दिल्ली से शालिनी तनेजा आंटी जी ने। हाँ जी, प्रीतमपुरा दिल्ली से शालिनी तनेजा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी आपकी बेटी शालिनी आंटी। शालिनी आंटी संगत के लिए आपकी बेटी। तुम मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, सब तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इस जन्म में आपकी बेटी ने क्या कर्म किए हैं आप सब जानते हैं। बख्शने वाले भी आप ही हैं, गलती की सजा देने वाले भी आप ही हैं। अपनी रजा में राजी रखना मेरे परमात्मा। अपना सत्संग शेयर करती हूँ। आज तक नहीं किया, सुनाना ज़रूरी है। मेरे परम पिता गुरु जी, आपकी महिमा नहीं गाऊंगी तो गलत करूंगी। इतना आपने दिया है कि मेरा दामन भरा हुआ है। गुरु जी मैं क्या बोलूँ, संगत जी मैं बचपन से शिव जी सबको मानते हैं, हम लोग हिंदू धर्म में हैं तो भगवान तो हमारे लिए हैं। और खासकर जब मैं बड़ी हो गई और मेरी शादी हो गई तो मैं काली माँ को बहुत मानने लग पड़ी, स्पेशली क्योंकि हम लोग कलकत्ता गए और कलकत्ता में काली माँ का घर है। काली माँ से तो मेरा इतना प्यार लगाव है कि मैं उनको अपनी माँ मानती हूँ। ऐसे लगता है कि साक्षात वो मेरे सामने हैं। पर हाँ, लड़ती भी हूँ, रोती भी हूँ, तकलीफ़ें भी आती हैं पर चली जाती हैं। पहली तकलीफ़ों में रोती थी, डिप्रेशन हो जाता था। अब तकलीफ में पता है गुरुजी साथ में खड़े हैं। जब से गुरुजी आए हैं तो गुरुजी ही काली माँ बन गए। सत्संग, हम 18 मार्च 2015 में जम्मू जाना था हमें माँ के दर्शन के लिए। तो उसी दिन हमारे क्लोज फ्रेंड हैं अलका, अलका आंटी, और अलका आंटी ने हमें बोला उनके घर सत्संग है और हमें आना है दोपहर को। तो मैंने कहा कौन से गुरु हैं ये, कि तू आना, वहाँ जैसा होगा जैसे सब करेंगे वैसे करना, जैसे तू माँ शिव जी के पास जाती है वैसे ही बैठना और आराम से गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की गुरबानी सुनना। मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई। सब इतना अच्छा था, चुपचाप गुरबानी चल रही थी, आंसू निकल रहे थे आंखों से,
दुख सुख सब बांटने को मिल रहा था, सब अच्छा लग रहा था। सत्संग अटेंड किया, सोचा ये कौन गुरुजी हैं, आज तक मुझे क्यों नहीं मिले, मैं क्यों नहीं जानती इनके बारे में। ये सब सोच के हम वैष्णो देवी गए और माँ के दर्शन किए। माँ बड़ी प्यारी लगती है। दर्शन करके 21 मार्च को हम वापस आए और नवरात्रि अगले दिन से शुरू हो गए। खूब नवरात्रि किए, मैं खेतरी बोती हूँ, माँ के व्रत रखती हूँ, सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा चल रहा था। हमारा बड़ा बेटा, मेरी दो बेटी हैं और बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करके वेलोर से मद्रास में है, वहाँ से इंजीनियरिंग करके अब आगे पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए उसको शिकागो जाना था, अमेरिका जाना था। तो ऑफ कोर्स एक माँ अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा आप अब जा रहे हो, आपको जाने से पहले कहाँ जाना चाहोगे, सो दैट वी गेट द ब्लेसिंग ऑफ द ऑल माइटी। शिरडी जाना चाहोगे, वैष्णो देवी जाना चाहोगे, कहाँ जाना चाहोगे, कलकत्ता जाना चाहोगे। उसने कहा माँ मैं कलकत्ता जाऊँगा, माँ काली का दर्शन लूँगा, माँ काली को बहुत मानता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया और हम काली मंदिर गए और काली घाट में माता रानी के बहुत सुंदर दर्शन किए। हम कलकत्ता में 6 साल रहे हैं तो हमें काली माँ से बहुत प्यार है। ऐसे लगता है कलकत्ता मेरा मायका है कि मैं वहाँ जाऊँ, भागूँ और माँ को लिपट जाऊँ। बहुत सत्संग है काली घाट के, कभी फिर बताऊँगी, अभी समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। तो बस दर्शन करके हम वापस आ गए और हमारा बड़ा बेटा अमेरिका चला गया। उसके अमेरिका जाने के बाद एक माँ जैसे फिक्र करती है अपने बच्चे की कि वो ठीक से सेटल हो जाए। ये हमारे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी कि उसके चाचा चाची वहीं रहते थे और उन्होंने उसको सेटल करने में खूब मेहनत की और मदद की उसकी। स्पेशली उसकी चाची ने उसका बहुत ख्याल किया और चाचा ने तो बहुत पहले ही उसका कमरा एंड ऑल कर दिया था। तो ये सब बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जहाँ परिवार मिलके एक बच्चे का ख्याल रख रहा था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे दादा इतने अच्छे भाई और बहन देने के लिए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। एक माँ हर समय भगवान से पूजा करती है कि सब, गुरुजी कहते थे ना मैं लेडीज़ को बहुत ब्लेस करता हूँ, इसलिए करते हैं क्योंकि लेडी हर समय ब्लेसिंग्स मांगती है। ऐसा वो मांगती है कि किचन चलता रहे, कपड़े ले ले, वो बहुत बड़ा नहीं सोचती, वो ये नहीं सोचती कि बहुत बड़ा घर बन जाए। एटलीस्ट मैं उस टाइम, अब शायद कभी कभी सोच लेती हूँ, पर उस टाइम नहीं सोचती थी। तो बस सो गई, जिंदगी चल रही थी, चलती गई। एक दिन रात को मैं सो रही थी और मुझे सपना आया। साईं बाबा के सपने मुझे कई बार आए हैं, सपना साईं बाबा का हाँ आए, काफ़ी आए हैं, वो भी गुरुजी हैं। अब यही सोचती हूँ, मेरी तो जर्नी है, हमारी तो जर्नी है, हम साईं बाबा के पास, फिर माँ काली के पास, माँ काली, साईं बाबा, फिर गुरुजी, सबके पास हम एक एक स्टेप पौड़ी चल रहे हैं और पता नहीं कब गुरुजी नाराज़ हो जाएं। इसलिए गुरुजी प्लीज़ आप हमें अपने चरणों में जगा दें, हमें अपने चरणों से बांध लें ताकि हम आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि हम तो बेवकूफ हैं। तो बस अब एक रात को मुझे सपना आया। सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मैं एक बहुत बड़े ग्रीन गार्डन में भाग रही हूँ, चल रही हूँ, चल के जा रही हूँ और बहुत सुंदर ग्रीनरी है। और चलती 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 चलते मैं एक बड़े आराम से चलते चलते प्यार से चल रही हूँ, खुश खुश चल रही हूँ और वहाँ एक छोटी सी हट पे पहुँचती हूँ। हट में एक चारपाई है, उस पे साईं बाबा बैठे हैं, जैसे साईं बाबा की बिस्तर होता है वैसा ही बिस्तर, चारपाई या बिस्तर है। तो मैं, साईं बाबा मुझसे पूछते हैं तू यहाँ क्या करने आई है। मैं कहती हूँ साईं बाबा मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप भगवान है तो मैं आपको मिलने आई हूँ। तो साईं बाबा कहते हैं तू इधर क्यों आई है, बाहर जा, मैंने इतना बड़ा भगवान भेजा है। मैंने कहा अच्छा साईं बाबा।
मैं बाहर जाती हूँ, उस कुटिया से बाहर निकलती हूँ तो ग्रीन गार्डन में गुरुजी पर्पल चोला पहन के उनकी बैक मुझे नज़र आ रही है, चल के जा रहे हैं और उनके साथ कोई चल रहा है। वो मुड़के देखते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, आ जा, ऐसे हाथ करते हैं अपना लेफ्ट वाला, आ जा, और कह जैसे एक बच्चे को बोलते मेरे को टर्न करके कहते हैं आ जा, और मैं उनको फॉलो करने लग पड़ती हूँ। हंसते हैं, मुस्कराते हैं और उनकी आंखों में बहुत प्यारी लाइट है और मैं उनके पीछे चलने लग पड़ती हूँ। ये मेरे गुरुजी के पहले दर्शन थे आफ्टर सीइंग हिम इन दैट हाउस, अलका के घर 18 मार्च को। फिर तो क्या है, मैं रवि के पीछे पड़ गई, मेरे अंकल। मेरा नाम शालिनी आंटी, शालिनी कनीजा आंटी है, मैं पीतमपुरा में रहती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि अब तो मुझे बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी को देखना है वहाँ मंदिर कैसा है, मेरे को लेके चलो। सो 3 अक्टूबर 2015 आई वेंट टू गुरुजी बड़े मंदिर। एंड मेरा एटीट्यूड है कि मंदिर जाना मतलब सिंपल बन के जूड़ा बांध लो, अपना सिंपल सूट पहना और चली गई। हमें थोड़ी पता था कैसे गुरुजी चाहते हैं हम आए। वहाँ मैंने देखा बड़े अमीर अमीर लोग आए, अमीर मतलब भगवान ने हमें भी सब कुछ दिया है, पर ऐसे मतलब बहुत, उस टाइम 2015 में संगत थोड़ी अलग, बहुत एलीट, सबके मतलब ब्यूटीफुल लेडीज, द गॉड ऑफ द रिच जैसे पहले बोलते हैं ना गुरुजी को, तो ऐसे लगा कि सब बहुत सुंदर है। अरे मैं तो बहुत गंदी लग रही हूँ, कैसे कपड़े पहन के आ गई हूँ, मैं बस लोगों के कपड़े ही देख रही हूँ, गुरुजी के मंदिर में चलती जा रही हूँ, पर मेरा दिमाग सिर्फ इसी में है कि लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं और मंदिर देख रही हूँ, गुरुजी का मंदिर है, पहली बार गई हूँ, देख रही हूँ जैसे सेवादार बोल रहे हैं, चल रही हूँ, चाय प्रसाद मिला, पी लिया, उसके बाद लंगर प्रसाद चार जनों के साथ लिया, खा लिया, खूब अच्छा लगा, ब्लेसिंग्स ली और बाहर आ गए। और उस टाइम जूता घर बाहर ही होता था, वहाँ आके जूते पहनने के लिए जूते घर की तरफ देख के खड़ी थी कि अब चप्पल लेंगे। उसी टाइम एक आंटी मेरी शोल्डर पे ऐसे ऐसे टैप करती है, जैसे बच्चे को कोई पीछे से करता ना, हेलो लिसन। मैं पीछे देखती हूँ, एक बड़ी प्लेजेंट लुकिंग लेडी, शी टेल्स मी आप जानती हैं आप कितनी सुंदर हैं। मैंने कहा अरे मैं, कहती हाँ मैं जब से मंदिर में आई हूँ मैं सिर्फ आपको ही देख रही हूँ। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा मुझे ऐसे ये क्यों बोल रही है। मुझे उसी टाइम स्ट्राइक किया कि गुरुजी मेरी बातें सुनते हैं, वो मुझे बताना चाहते हैं कि मेरे लिए सब बच्चे सुंदर हैं, सब सुंदर हैं। मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, और मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ और हम घर आ जाते हैं। एक बात तो पक्की हो गई कि वो मेरी बातें सुनते हैं, अंतर्यामी है, और उन्होंने मुझे इंडिकेशन दे दी कि मुझे कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तू भी मेरी उतनी ही बच्ची है जितने वो सब हैं और तुम सब मेरे लिए संगत हो। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं घर आ गई। अब घर आने के बाद अब मैं गुरुजी के बारे में पढ़ने लग पड़ी, कभी फ्रेंड्स के साथ जाती, कभी कुछ करती। सबसे अच्छा दिन वही होता जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच सकती थी, मंडे को चली जाती, गुरुजी का स्वरूप मिला, सब अच्छा अच्छा लगने लग पड़ा। ऐसे लगा कि बस अब तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गलती है, क्योंकि दुख वो गुरुजी तो निचोड़ेंगे और निचोड़ते रहेंगे, क्योंकि यही हमारे, ये तो लाइफ है, लाइफ में ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पेन है और पेन ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा जब चूंटी लगती है तभी तो याद करता है हे भगवान हे माँ, तो उसको याद रखने के लिए गुरुजी को छु 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 छुड़े झटके हमें देने पड़ते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े झटके भी देने पड़ते हैं, क्योंकि अहंकार मुझ में तो बहुत है, पता नहीं अभी भी गया है या नहीं, नहीं पता, अहंकार ने मुझे तोड़ा है और गुरुजी जानते हैं। तो बस ऐसे चलने लग पड़ा और मैं गुरुजी को प्यार करने लग पड़ी और गुरुजी मुझे प्यार करने लग पड़े।
कभी तकली नज़र आती, कभी कुछ नज़र आता, ऐसे लगता जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। बड़ा अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगने लग पड़ा। अब मेरे दो बेटे हैं, जो मेरा छोटा बेटा है वो बचपन से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। वो तो चलो पढ़ाई तो करता ही नहीं है, फिर साथ में थोड़ा मोटा है, और मोटे से भी वो पतला हो ही रहा था, अभी भी काफ़ी मोटा है। मैं भी मोटी हो गई हूँ विद एज, पर वो इस उम्र में मोटा है। और उस टाइम उसकी उम्र क्या होगी, 1999 बॉर्न है वो, तो 2016 में वो 15-16 साल का होगा। हाँ, तो एक दिन वो घर आया और उसने थोड़ी ड्रिंक ली होगी और उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। मिसबिहेव जो अच्छा नहीं होता, बच्चे कई बार धक्का मार देते हैं, ज़्यादा तो नहीं पर मारा। और मैं बहुत नाराज़ हुई उससे और मैंने कहा मैं इससे बात नहीं करूँगी। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसने मुझे कहा मम्मा आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा इफ़ यू आर सॉरी यू विल कम विद मी टू गुरुजीज बड़े मंदिर एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स। वो पढ़ता भी नहीं है, बिल्कुल फेल होता रहता है। 10th में था, मैं बहुत डरी हुई थी। तो किसी तरह 11th में आ गया, हाँ 11th में था उस टाइम। तो मेरे साथ वो गया। मई का महीना था, 2016 था, गर्मी काफ़ी थी। उसने बर्मुडाज पहनी हुई थी, वो हाफ पेंट मतलब नी के नीचे जो पेंट होती है। और सेवादार अंकल ने कहा कि ये पहनना अलाउड नहीं है, लड़कों को फुल पेंट पहन के आना चाहिए। मैंने कहा सॉरी अंकल जी, मेरे को तो पता नहीं था, नहीं तो मैं इसको कभी ऐसे नहीं पहनाती। और वो भी मुझसे नाराज़ हो रहा था कि मम्मा यू डोंट नो। मैंने कहा प्लीज़ अंकल जी, सेवादार जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था, मैं बड़ी मुश्किल से इसको लाई हूँ। मुश्किल से तो बोलना गलत था, क्योंकि वो बहुत खुशी खुशी आ गया मेरे साथ। हम गए, हमने गुरु जी के दर्शन किए और वहाँ पर पहली बार हमने गुरु जी के दर्शन करके जब हम लेफ्ट से निकलते हैं तो नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं, उन्होंने हमें, मेरे को और मेरे बेटे को, वहाँ नीचे भेज दिया लंगर प्रसाद के लिए। तो लंगर प्रसाद हमने पहली बार, आज फिर मैंने कभी नहीं लिया, वो जो किचन होता है उसके साथ जो खिड़की होती है वहाँ सामने बैठकर लंगर प्रसाद लिया। और बेटा मेरा जो सब्जी कभी नहीं खाता, उसने बड़ी खुशी खुशी चार जनों के साथ लंगर प्रसाद लिया। वो दिन है माता रानी, गुरुजी, और आज का दिन है वो बच्चा पढ़ाई में चेंज हो गया। वो पढ़ने लग पड़ा, पतला हो गया, कभी खुशी कभी गम में जो ऋतिक रोशन है वो बन गया, जो मोटा है और फिर बहुत हैंडसम निकल आता है। बच्चा सुंदर निकल आया, जैसे एक हेल्दी बच्चे को होना चाहिए। और उसके स्वभाव में, उसके इंटेलेक्ट लेवल में बहुत चेंज आ गया। ये कौन कर सकता था? मैं तो नहीं कर सकती थी। ये वो लंगर प्रसाद और गुरुजी की आशीर्वाद का मिरेकल है। मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं जो मुझे सुन रहे हैं। मैं इसको ट्यूशन्स लगवाती थी, ये पढ़ता नहीं था, इधर उधर भागती थी, पर अब ये खुद पढ़ता था, खुद सब कुछ करना चाहता था, सब अच्छा सोचना चाहता था, कोशिश कर रहा था। इससे बड़ी ब्लेसिंग एक माँ के लिए, गुरुजी जो परम पिता माता हैं, उन्होंने अपने बच्चे को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ हम लोग तो ब्लेस हो ही रहे थे, वहाँ हमारा बड़ा बेटा भी एक दिन ऑफिस में बैठा था, तो ऐसे ही बैठा था, उसको पता लगने लग पड़ा गुरुजी के बारे में मुझसे। उसने अभी तक गुरुजी के बारे को देखा नहीं था, फोटो देखी होगी, बट एक दिन ऑफिस में बैठा था, कहता है मम्मा मेरे को गुलाबों की खुशबू आने लग पड़ी इतनी तेज़, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने पढ़ा था कि खुशबू गुरुजी की आती है। बस उसको भी गुरुजी में इतना विश्वास आने लग पड़ा कि पूछो मत, और भगवान की दया है कि उसका विश्वास बना रहे। शिव पुराण में एक दुआ है जो पल भर में, जिसका मीनिंग ये है, जो पल भर में चारों फल धर्म अर्थ मोक्ष काम को देने वाले हैं वो भगवान शंकर हैं, और बिना किसी शंका के हमें सदैव उन पे विश्वास रखना चाहिए।
जो पल भर में चारों फल धर्म अर्थ मोक्ष को काम मोक्ष और काम को देने वाले हैं और भाग्य के लिखे को बदल सकते हैं, वो और कौन पर गुरु शंकर हमारे महाशिव गुरु जी हैं और उन पे हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। ये दात बख्शो हमें गुरु जी महाराज। यही हम अरदास करते हैं कि हमें विश्वास और शुक्राना की दात बख्शो। शह हम अपने को ये बोलते रहेंगे तो वो दिन आएगा जब हम इसे मान भी जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2017 में मेरा छोटा बेटा बॉम्बे चला गया। अब वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा हो गया, उसके 73% मार्क्स आए, बीए इन फिल्म मेकिंग उसने ज्वाइन कर लिया और लाइफ में आगे बढ़ा विद गुरुजीज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, कर्नल आर्मी रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट के बाद वो राइट्स के साथ भी हाईवेज में कंसल्टेंट थे सीनियर। उनको बहुत इंजरीज हुई फिजिकल, जिससे उनकी स्पाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और उसकी सर्जरी हुई फोर्टिस में। सर्जरी का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ द सर्जरी वाज दैट इट वाज नॉट वेरी गुड फॉर हिम। ही सफर्ड मोर बट इट वाज स्टिल बेटर देन व्हाट ही वाज सफरिंग, आई वुड से दैट। पर उनको इतनी दर्द, इतनी पेन कि कहते हैं जो गुरु जो डॉक्टर्स थे वो कहते थे उनको हम वो इंजेक्शन देते हैं जब घोड़े को दर्द होता है, तो वो इंजेक्शन जो घोड़े को जिस इंटेंसिटी का इंजेक्शन दिया जाता है वो हम आपके पापा को देते हैं। स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, पापा नहीं चल पा रहे थे, बहुत पेन में थे। अभी ये कम था कि घर आने के बाद उनको डीवीटी हो गया, क्लॉट इन थाई, जिसके कारण वो बेड रिडन और 3 महीने के लिए हो गए। पापा की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, उनको प्रोस्ट्रेट भी हो गया, जिससे उनको कैथेड्रल लग गया बिकॉज उनको यूरिन पास करने का कोई और तरीका नहीं बचा था। उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया बार बार होता, फीवर होता और उनको बार बार हॉस्पिटल में कैलाश में एडमिट होना पड़ता। महीने में एटलीस्ट 15 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहते थे। 2017 से 2019 तक शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, कोई दिवाली या कुछ, जब पापा हॉस्पिटल में नहीं होते थे। हर महीने उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था और ये एक बहुत मुश्किल समय था जो हम गुरुजी की ग्रेस से एक्सेप्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे, मंत्र जाप करते थे। वो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरुजी के मंदिर हो आए थे 2-3 बार और शायद इसलिए उनमें इतनी शक्ति थी कि वो इतनी पेन ले पा रहे थे। पर मम्मी टूट रही थी, मम्मा वॉज लाइक अ रॉक स्टार, वो हमारे घर की पिलर थी और घर को संभाल रही थी, पापा को संभाल रही थी, हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। 2019 नवंबर आया, पापा का जन्मदिन है 16 नवंबर को। मैंने पापा को कहा, मामा पापा आप लोग नोएडा से गुरुजी के मंदिर आओ, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ से पीतमपुरा से गुरुजी के मंदिर आएंगे और आज आपको मुझे ये गिफ्ट देना है कि आज हम मंदिर जाएंगे, चाहे आपको दर्द है, और गुरुजी की ब्लेसिंग सीख करेंगे। वो मान गए। जब हम मंदिर पहुँचे वो हमसे पहले पहुँच गए, वो तो दर्शन करके बाहर निकल आए और हमने एक दूसरे को क्रॉस किया, हेलो किया और वो लोग चले गए नोएडा वापस और मैं और मेरे हस्बैंड अंदर गए। जब हम अंदर गए मैंने गुरुजी के मेन हॉल में पहुंचकर वहां पर बैठने का सौभाग्य पाया और बैठते ही मैंने पहली बार आंख बंद करके कहा, गुरुजी आप मेरे पापा हो, आपकी बेटी आपके घर आई है और अरदास के लेके आई है कि इस जन्म में जो आपने मेरे को पापा दिए हैं उनको आप इतनी बार बार हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे,
उनको बहुत तकलीफ होती है, उनको देखकर हमें तकलीफ होती है। हे दाता, तू परम पिता है, मेरा पिता है। एक बेटी तेरे पास आई है और दरख्वास्त करती है कि तू उसकी ये उम्मीद पूरी कर। ये दरख्वास्त करते हुए मैं रो पड़ी, आंखों में आंसू लेके मैं बैठी हुई थी कि वहाँ के एक सेवादार ने मुझे कहा, आंटी जी आप आगे हो जाइए। और उन्होंने ही वो एक लाल रंग का जो रिबन लगा होता है 16 नवंबर 2019 में खोल दिया और मेरे को नंदी के पास बैठा दिया, मुझको और मेरे अंकल जी को। और वहाँ पे ऑलरेडी एक कपल बैठा था, वहाँ पे हम 2-3 मिनट शायद बैठे और 3-4 मिनट मुझे नहीं याद, पर एक सौभाग्य, एक मन की शांति। पता नहीं ये ज़्यादा ब्लेसिंग है कम है, पर जो गुरुजी करते हैं वो वही जानते हैं। गुरुजी कहते हैं देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। मुझे ब्लेसिंग्स, हमें ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हम वहाँ बैठे थे। हम दीन थे, दुखियारे थे, उन्होंने हमें अपने पास बिठा लिया। वहाँ आंखें बंद करके हम बैठे, सुंदर नज़ारा था, नंदी हमारे पास, शिव जी की मूर्ति साथ, गुरु जी का सिंहासन सब आसपास। वही एक दिन था जब मैं इतने करीब बैठी थी उस मंदिर में, उस हॉल में, गुरु जी के घर में। और हम वहाँ से आ गए। संगत जी विश्वास कीजिए, वो दिन है और आज का दिन है, इस समय सुबह के टाइम जब मैं सत्संग कर रही हूँ, 4:35 है। हर दिन डर लगता था कि मम्मी का फ़ोन आएगा, पापा बीमार है, एम्बुलेंस बुलाई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, इन्फेक्शन है, शुगर ब्लड लेवल्स ख़राब हैं, इन्फेक्शन है। और पर गुरुजी ने एक महिमा, गुरुजी का चमत्कार, मिरेकल, 16 नवंबर 2019 से लेकर आज तक 8 अप्रैल 2023 अभी मैं सत्संग कर रही हूँ, मेरे पापा को अस्पताल में एडमिट नहीं होना पड़ा। थैंक यू गुरुजी, परम पिता, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप मिले। कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। 2019 में कोविड हो गया, ध्रुव हमारा छोटा बेटा वापस हमारे पास आया, बड़ा बेटा शैलव अमेरिका में है। कोविड का टाइम है, बहुत टफ टाइम है, गुरुजी ने ही संभाल रखा है सबको। हमारा छोटा बेटा घर आया और उसको कोविड हो गया 11 नवंबर 2020 में, और उसने अपने आप को क्वारंटाइन किया। तो अचानक 11th नवंबर को उसको बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होने लग पड़ी। तो मैंने मेरे हस्बैंड उसको फटाफट, हार्ट बीट्स जो थी वो ऊपर नीचे जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड उसको फटाफट महाराजा अगरसन ले गए, पंजाबी बाग, और वहाँ पे उसके ECG करा तो चेंजेस आए। वो सिर्फ 21 ईयर्स का बच्चा है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, विच वॉज शॉकिंग। ये उस टाइम का टाइम है जब वर्ल्ड में कोविड के साथ हार्ट को रिलेट नहीं किया जा सकता था। ये पहला कोई केस था जो डॉक्टर चानना, जो बहुत ही माने हुए सर्जन हैं हार्ट के पंजाबी बाग में, वो हैरान थे। वो ICU में रहा जहाँ पे दुनिया भर के कोविड के पेशेंट्स थे, और वो घर आ गया। अभी भी उसको कोविड था। डॉक्टर चानना ने कुछ टेस्ट किए क्योंकि दर्द अभी भी हार्ट से जा नहीं रहा था और उसको एंग्जाइटी पैनिक अटैक हो रहे थे। TMT टेस्ट में उनको कुछ ठीक नहीं लगा, उनको कुछ गड़बड़ लगी और वो काफ़ी घबरा गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं पता, देयर आर सम चेंजेस, आप प्लीज़ इसको कल लेके आइए, इसकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एक छोटे से बच्चे की, 21 साल के बच्चे की एंजियोग्राफी बहुत मुश्किल होती है, एक माँ को एक्सेप्ट करना और एक बच्चे को एक्सेप्ट करना। पर वो बच्चा नहीं डरा गुरुजी, उसकी माँ रो रही थी, पर वो कहता है, मम्मा आप ही तो कहते हो गुरुजी को सरेंडर करो और आप रो रहे हो, सरेंडर करो, जो होगा अच्छा होगा। एंजियोग्राफी हुई, उसमें कुछ नहीं आया,
कोई ब्लॉकेज नहीं आई। ये कौन कर सकता था? उस बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया, बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझ पे विश्वास रखता है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। और उसने उनको ठीक कर दिया उसको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आगे का सत्संग पार में। जय गुरुजी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना।